एक बार एक राज्य में भोजन चल रहा था। सभी ब्राह्मण भोजन कर रहे थे, तभी वहाँ से एक चील एक सांप को मारकर उड़ने लगी। सांप के मुंह से खून टपक रहा था, तभी सांप के मुंह से कुछ खून की बूंदे ब्राह्मण के भोजन में जा गिरी। ब्राह्मण ने भोजन करा और उसकी मृत्यु हो गई। अब यमराज ये सब देख रहे थे, वो समझ नहीं पाए कि ब्राह्मण की मृत्यु का दंड वो किसे दे, उस राजा को जिसने वह भोजन रखा था और उसे पता भी नहीं था कि भोजन में जहर है, या फिर उस चील को जो अपने बच्चों के लिए भोजन ले जा रही थी, या तो फिर उस सांप को जो तो पहले से ही मर चुका था। यमराज ये सब सोच ही रहे थे कि उस गांव में कुछ ब्राह्मण आए। उस ब्राह्मणों ने एक औरत से राजा का पता पूछा। वह औरत बड़े आनंद से बताने लगी कि राजा के वहाँ ना जाएं, क्योंकि राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर मिलाकर देते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। यमराज यह सब सुन रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि मैं इस ब्राह्मण की मृत्यु का दंड इस औरत को दूंगा। जब ब्राह्मण की मृत्यु का दंड उस औरत को मिला, तो यमराज से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों करा। तब यमराज ने कहा कि जब उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई, तो राजा या चील या सांप तीनों में से कोई भी आनंदित नहीं हुआ, जबकि उस औरत को यह सब बात बताते हुए बड़ा आनंद मिला, इसलिए वो दंड की हकदार है। तभी कहते हैं दोस्तों, हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। बुराई करने से भगवान भी हमें कभी माफ नहीं करते, इसलिए हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। कभी किसी की बुराई करके हमें अच्छाई नहीं मिलेगी,